फिल्म की शुरुआत में संगीत की आवाज दिल की धड़कन की तरह बजती है और कैमरा एक महिला की सुंदर नीली आंखों पर केंद्रित होता है। अंधेरा धीरे धीरे आंख के केंद्र को ढक लेता है और फिर गायब हो जाता है। ये परिवर्तन नीले और हरे रंगों के मिश्रण को प्रकट करता है जो समुद्र के ऊपर एक भव्य पुल की तस्वीर में बदल जाता है। फिर हम रेन अमारी और जारेड अमरी को रेतीले समुद्र तट पर बैठे ठंडे काले वेटसूट पहने हुए देखते हैं। सब कुछ शांत है और रेन खेल खेल में जारेड को पानी में वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अनिश्चित है। हालांकि जब रेन उसे चश्मे और फ्लिपर्स दिखाता है तो वह अब और विरोध नहीं कर सकता। वे एक साथ साफ पानी में कूदते हैं, एक पानी के नीचे साहसिक कार्य शुरू करते हैं। दृश्य बदल जाता है और हम रेन को एक ऊंचे इमारत के कमरे में देखते हैं। उसकी दाहिनी आंख से एक रहस्यमय काला तरल आ रहा है। चारों ओर खाली नेत्र ड्रॉपर हैं, जो तरल से संबंध का सुझाव देते हैं। एक उल्टी गिनती से पता चलता है कि अदलाइफ का लॉन्च 6 दिनों से अधिक समय में है। रेन टीडीए के एक साक्षात्कारकर्ता से बात करते हुए बताती है कि कैसे उसकी शिक्षा बाधित हुई क्योंकि उसका भाई लगभग डूब गया था। वो उन्हें आश्वासन देती है कि वो बच गया और अन्य जीवन के बारे में बात करती है। यह एक दवा से अधिक है, यह एक प्रकार का जैविक सॉफ्टवेयर है जो रासायनिक स्तर पर निर्बाध यादें बनाता है। रेन अपने बेहोश भाई से मिलने जाती है जो उसके मिशन की निरंतर याद दिलाती है। हेडबैंड और लैपटॉप का उपयोग करके वो उसे उसकी आंख के माध्यम से काला तरल देती है। फिर वो अपने पिता के कॉल को नजरअंदाज करते हुए ट्रेन में चढ़ जाती है। वो बायन के साथ एक व्यस्त कार्यस्थल में है जो उससे अनुमोदन संभालने का आग्रह करता है। अदलाइफ में वो स्काईडाइविंग करती है और बायन के साथ जाग जाती है। साक्षात्कार के दौरान उसके पिता उसके नवाचार और संभावित दौरे के जोखिमों के बारे में चिंतित हैं। रेन इसकी तुलना मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों से करते हैं। उसकी आवाज़ बताती है कि कैसे उसने एक लंबी पैदल यात्रा का अनुभव किया, अवचेतन यादों का उपयोग करके एक आदर्श दिन बनाया और सीमाओं के साथ एक लिखित वास्तविकता बनाई। रेन एक अस्थिर लूप में फंसने से पहले एक पहाड़ पर विजय प्राप्त करते हुए एक स्नोबोर्डिंग सिमुलेशन पर निकलता है। 6 दिनों के बाद बायन उसे इस गड़बड़ी से बचाता है। अनियंत्रित रेन इसे ठीक करने के लिए दृढ़ है और स्नोबोर्डिंग अनुभव की लोकप्रियता में विश्वास करता है। एक महत्वपूर्ण बिक्री पिच के दौरान अदलाइफ के सह संस्थापक सैम इसे खरीदने योग्य खाली समय के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां उपयोगकर्ता भव्य रोमांच का आनंद ले सकते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि अन्य जीवन केवल अनुकरण से अधिक है, यह वर्षों के अनुभवों को संक्षिप्त करता है। प्रस्तुति सैम द्वारा ग्राहकों से अन्य जीवन के भीतर अपने सपनों की कल्पना करने का आग्रह करने के साथ समाप्त होती है। रेन सैम के सह संस्थापक के रूप में आता है और बैठक के दौरान प्रौद्योगिकी के मूल को समझाता है। इसके बाद वो और सैम कंपनी के भविष्य के बारे में असहमत हो जाते हैं। वो डैनी से मिलती है, पहले काम करने के लिए माफी मांगती है और फिर चली जाती है। साक्षात्कार में अन्य जीवन के वास्तविकता से अलग होने और इसके अलग थलग करने वाले प्रभावों के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। रेन और बायन स्नोबोर्डिंग सिमुलेशन को डीबग करने पर काम करते हैं, जिसमें लॉन्च होने में कुछ ही दिन बचे हैं। देर से काम करने के बाद उसे एक कोडिंग त्रुटि का पता चलता है। बायन ने नोट किया कि रेन ने 482 परीक्षण किए हैं, जो एक ही वास्तविक दिन में 20 दिन बिताने जैसा है। ध्यान तब बदल जाता है जब डैनी लंबे समय तक अन्य जीवन के उपयोग के बारे में एक रिपोर्ट के साथ आता है, जो सैम द्वारा किया गया अनुरोध है। रेन को आश्चर्य हुआ कि जब वह निष्कर्षों की जांच कर रही थी तो उसे इस जांच के बारे में सूचित नहीं किया गया था। इसके अलावा वह बायन से सैम के साथ लेन देन से उसे बाहर न करने के लिए कहती है। बायन और डैनी पुनरावर्ती गड़बड़ी को अनुकरण अवधि बढ़ाने के एक तरीके के रूप में मानते हैं, पेपर ब्रेक लेने का निर्णय लेते हैं। इस बीच रेन कार्यस्थल में रहती है, दृढ़ता से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करती है। अपने भाई के साथ साझा किए गए तैराकी अनुकरण पर लौटते हुए रेन अपने व्यापक परीक्षण के बचे हुए साक्ष्य को देखती है कई खाली ड्रॉपर। एक चिंतनशील क्षण में वह आगे के प्रयोग की आवश्यकता को पहचानते हुए अपने 340वें परीक्षण के परिणामों को दर्ज करती है। साक्षात्कार दल इस बारे में बात करता है कि कैसे अन्य जीवन मस्तिष्क और स्मृति समस्याओं में मदद कर सकता है, जो लोगों के दिमाग में विचारों को रखने के नैतिक मुद्दों के बारे में चर्चा की ओर ले जाता है। इस बहस के बीच में रेन कहती है कि वह केवल उस पर काम करना चाहती है जो वे अभी कर रहे हैं। उसके बाद वह अपने भाई के कमरे में वापस जाती है और फिर से अदलाइफ का उपयोग करने की कोशिश करती है। जब वो उसकी आंखों को थोड़ा हिलते हुए देखती है तो वो आशान्वित हो जाती है। एक नज अंदर आती है, इसलिए रेन छिप जाती है कि वो क्या कर रही है और खुलकर बात करती है। नज का कहना है कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामान्य हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत कुछ है जो वे अभी तक नहीं जानते हैं। घर लौटते हुए रेन डेटा का अध्ययन करती है।
बायन और डैनी फोन करते हैं, उन्हें छूटने वाली घटनाओं के बारे में अपडेट करते हैं। उसके पिता की ओर से एक ईमेल आता है जिसमें उसके भाई के लिए जीवन समर्थन वापस लेने पर चर्चा की जाती है। अगले दिन रेन अपने पिता से मिलने जाती है जो एक प्रोफेसर हैं। वे अन्य जीवन की नैतिकता और उसके भाई की मदद करने की क्षमता के बारे में बात करते हैं। एक टकराव उभरता है मानव जटिलता के बारे में उसके पिता की चिंता बनाम इसे ठीक करने में रेन का विश्वास। भावनाएं चरम पर होती हैं क्योंकि रेन अपने भाई की भागने की इच्छा का दावा करती है। उसके पिता एक कठिन विकल्प के लिए उसका समर्थन चाहते हैं। रेन की भावनाएं उसे काम पर परेशान करती हैं। वह अपनी फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए मदद मांगते हुए कैस पर भरोसा करती है। सैम और बायन नानाइट स्टॉक विसंगतियों को देखते हैं, रेन से उसके प्रयोगात्मक अनुकरण के बारे में सवाल करते हैं। सावधान, रेन अपनी प्रयोगात्मक प्रकृति से चिपके हुए बहुत कम खुलासा करता है। बायन के जाने के बाद वह सैम के साथ खुलकर बात करती है। वह नकली जेल पुनर्वास के लिए अन्य जीवन को फिर से प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता है। रेन दृढ़ता से मना कर देता है, सैम को निराश करता है और एक गर्मागर्म बहस का कारण बनता है। डैनी से मिलना, उनकी साझा उथल पुथल उन्हें गहराई से जोड़ती है। बातचीत फीकी पड़ जाती है, भेद्यता उन्हें अंतरंग रूप से एकजुट करती है। डैनी के साथ दुखद घटना के बाद रेन उसे स्नोबोर्डिंग के अनुभव के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, स्मृति और अस्तित्व के रासायनिक सार पर विचार करता है। उनकी बातचीत तकनीक के इमर्सिव प्रभाव की कठोर वास्तविकता का खुलासा करती है। एक आकस्मिक मिश्रण एक विनाशकारी परिणाम की ओर ले जाता है। डैनी ने रेन के निजी उपयोग के लिए एक प्रयोगात्मक ड्रॉपर निगल लिया जिससे वह हिंसक दौरों में चला गया। जैसे ही रेन चिकित्सा सहायता को बुलाता है, उल्टी गिनती की घड़ी लगातार टिक जाती है और अदलाइफ की सार्वजनिक रिलीज में केवल 5 दिन शेष रहते हैं। रेन और सैम कंपनी के कानूनी सलाहकार के साथ कानूनी भूल भुलैया को नेविगेट करते हैं, एक बातचीत जो ड्रग लेबल किए जाने के विपरीत अदलाइफ के सॉफ्टवेयर प्रकृति को स्पष्ट करती है। सैम रेन के साथ एक निजी बातचीत का अनुरोध करता है, उस अनुभव के विवरण को उजागर करने की मांग करता है जिसके परिणामस्वरूप डैनी की मृत्यु हो गई। साक्षात्कार में तनाव और अनिश्चितता बनी रहती है क्योंकि प्रौद्योगिकी के लिए रेन की महत्वाकांक्षा का सवाल अनुतरित रहता है। संभावित कानूनी नतीजों का सामना करते हुए सैम कंपनी के भविष्य को बचाने के लिए एक विवादास्पद समाधान तैयार करता है। रेन अनिच्छा से अदलाइफ में 1 साल के कारावास के लिए सहमति देती है, एक ऐसी योजना जो उसे परेशान करती है क्योंकि वह सैम के गुप्त उद्देश्यों से जूझती है। 1 साल की आभासी जेल की सजा की धारणा शुरू में उसे पीछे हटा देती है, लेकिन वैकल्पिक डैनी की मौत के लिए कानूनी अभियोजन उसके अनिच्छुक अनुपालन को प्रेरित करता है। अधिकारियों और सैम के साथ परीक्षण कक्ष में रेन ने अदलाइफ में अपना साल भर चलने वाला परीक्षण शुरू किया। एक डिजिटल डे काउंटर के साथ एक छोटे से कक्ष में अलग वह एक सावधानी पूर्वक दिनचर्या का पालन करती है। कमरा हर दिन रीसेट होता है जिससे कड़ी प्रतिक्रियाएं होती हैं। डैनी के दौरे की यादें उसे परेशान करती हैं। अलगाव के बीच रेन अपनी चेतना की जांच करती है, प्रोग्रामिंग को पुनरुत्थान के रूप में सोचती है। अपने भाई के साथ तैरने की यादें आपस में जुड़ी हुई हैं। सीमित स्थान उसकी विवेक की परीक्षा लेता है और वह अनदेखे नोटों में आराम पाती है। आशा और निराशा वास्तविकता और अनुकरण धुंधलेपन के रूप में मिश्रित होते हैं। अदलाइफ के सिम्युलेटेड सेल के सीमित आलिंगन के भीतर 1 वर्ष की पराकाष्ठा दिन 365 के साथ आती है जो एक पूर्व निर्धारित लाल प्रकाश द्वारा चिन्हित होती है। फिर भी उसकी उम्मीदों के विपरीत कमरा अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है जिससे रेन के भीतर दहशत फैल जाती है। हताशा उसे अपनी हताशा को दूर करने के लिए प्रेरित करती है, कमरे की सीमाओं को तोड़ देती है क्योंकि उसकी भागने की दिनचर्या काम करने में विफल रहती है। एक भयावह हवा की फुसफुसाहट एक प्रकाशस्तंभ बन जाती है जो एक छिपे हुए अंतराल के माध्यम से स्वतंत्रता के अवसर को प्रकट करती है। रेन प्लास्टिक की चादर के माध्यम से एक भूल भुलैया यात्रा को नेविगेट करती है और एक विशाल गोदाम जैसे विस्तार में आती है जिसमें निगरानी कक्षों और आपूर्ति दुकानों के साथ साथ उसकी नकली कोठरी होती है। डिस्कवरी चोरी में बदल जाती है क्योंकि रेन गार्ड का सामना करता है और उसके भागने की सुविधा के लिए एक ट्रक खरीदते हुए एक साहसी पलायन की योजना बनाता है। उसका रास्ता उसे एक हलचल भरी दुनिया की ओर ले जाता है जहां परिचित अन्य जीवन के विज्ञापन दृश्यों में व्याप्त होते हैं और लोग अपने जीवन के बारे में जाते हैं। रेन का पहला काम अपने भाई की हालत के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचना है। अपने कार्यस्थल पर लौटने पर वह खालीपन और अलगाव से स्वागत करती है। नए कपड़े सामान्य स्थिति की झलक देते हैं लेकिन उनका पिछला साल धुंधला बना हुआ है। सैम के चेहरे को प्रदर्शित करने वाला एक पत्रिका कवर भावनाओं के एक जटिल कैस्केड को ट्रिगर करता है। पुलिस को शामिल करने से एक गूढ़ रहस्य का खुलासा हुआ है। उसके लिए एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट साक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है जो बताती है कि वह इटली में रहती थी।
अन्य जीवन की अग्नि परीक्षा और एक सह संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका को उनके सिद्धांतों पर संदेह का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था। सैम का आगमन सुरक्षा और साजेंट का वादा है, फिर भी रेन की ओर से उसे दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसकी पकड़ सुरक्षित रखी जाती है। वो एक यात्रा पर विश्राम के लिए कैस करता है, जो सहानुभूतिपूर्ण हाथ पुनः प्राप्त करता है, शरण और पोषण देता है। कैस इस गलत धारणा का खुलासा करता है कि रेन ने अपना जीवन छोड़ने के लिए एक इतालवी यात्रा की थी। इसके अलावा रेन को एक शौकाले वाली सच्चाई का पता चलता है, डैनी का जीवित रहना एक पुनर्मिलन जो सिमेट्री ग्रेविटी के साथ प्रतिध्वनित होता है। रेन, कैस और डैनी एक रेस्तरां में इकट्ठा होते हैं। उनके साझा अनुभव साजिश के एक चित्र में बुने जाते हैं। डैनी तैराकी अनुकरण के साथ अपने ब्रश को याद करता है, एक इमर्सिव अग्नि परीक्षा जो डूबने की सनसनी को प्रतिध्वनित करती है। उसकी वसूली एक सप्ताह के परीक्षण से चिन्हित होती है। अदलाइफ का लॉन्च विजयी साबित होता है, जिसमें कारावास कंपनी के नवाचार की आधारशिला बन जाता है, जिससे दशकों या सदियों तक फैले वाक्यों के प्रस्ताव आते हैं। सैम द्वारा अपने पिता की पेटेंट तकनीक की चोरी से प्रेरित होकर उत्तरों के लिए रेन की लालसा तेज हो जाती है। चर्चा रणनीतियों में बदल जाती है, जिसमें डैनी ने रेन से भागने या मीडिया के सामने सच्चाई को उजागर करने पर विचार करने का आग्रह किया। रेन का रहस्य उद्घाटन उसकी अंतर्निहित प्रेरणा पर प्रकाश डालता है। उसके पिता के पेटेंट का उद्देश्य उसके भाई की सहायता करना था, जिसका अब सैम द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से शोषण किया जाता है। हाथ में कैस के आईडी बैज के साथ रेन और डैनी अपने चोरी किए गए डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए अदलाइफ के निर्माण के भीतर एक विवेकपूर्ण मिशन पर निकल पड़ते हैं। बायन के कार्यालय में वे डैनी को एक व्याकुलता के रूप में उपयोग करते हुए उसका सामना करते हैं, जबकि रेन उसकी हार्ड ड्राइव को जब्त कर लेता है। एक संघर्ष छिड़ जाता है और रेन भागने से पहले एक मुक्का मारता है। कैस को पकड़ना केवल उनकी चिंता को बढ़ाता है। जल्दबाजी में एक अन्य जीवन मुद्रक के पास जाते हुए वे रॉबर्ट के घर अपनी अंतिम शरण में जाते हैं। खाली घर एक शरण बन जाता है। तात्कालिकता के बीच वे एक शांत सुबह पसंद करते हैं और भोजन साझा करते हैं। रेन की अफसोस की भावनाएं सामने आती हैं, जिससे डैनी के साथ दिल से बात होती है, जो अंततः उनके बीच एक अंतरंग संबंध की ओर ले जाती है। फिल्म की शुरुआत को याद करते हुए रेन की आंख की छवि फिर से दिखाई देती है, क्योंकि वह अपने पिता की वापसी की आवाज से जागती है। अपने पिता के साथ एक ईमानदार बातचीत में रेन सैम द्वारा उसका काम चुराने के बारे में सच्चाई का खुलासा करती है। ये रहस्य उद्घाटन कि उसके पिता ही थे जिन्होंने उसके लापता होने की सूचना दी थी, उसके कैद के वर्ष में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है। रेन अपनी कहानी के विभिन्न हिस्सों को एक साथ बुनते हुए अदलाइफ प्रिंटर के पास वापस जाती है। वो तैराकी अनुकरण में डैनी के अनुभव के पीछे की परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करती है, एक अवचेतन विकल्प जिसने उसे एक गहरे रसातल में डुबो दिया, जो तकनीक की अस्थिर क्षमता को प्रदर्शित करता है। अनुकरण के लिए रेन के डिजाइन के इरादे अपने भाई जारेड को एक जीवन रेखा प्रदान करने की उनकी इच्छा में निहित थे। उसने अन्य जीवन के भीतर विभिन्न रास्ते बनाए जो उसके भागने और अंततः जागृति का कारण बन सकते थे। अन्य जीवन का उनका संस्करण यादों को फिर से लिखने के विचार पर बनाया गया था, एक विचार आकर्षक और जोखिम भरा दोनों, एक शक्तिशाली दवा की तरह। उनके डर ने एक अंधेरी भविष्यवाणी को प्रतिबिंबित किया कि कंपनी कहां जा रही थी। रेन और उसके पिता रॉबर्ट सैम को धीमा करना चाहते हैं। वे TDA से सुरक्षा जांच के लिए कहते हैं, ताकि वे अनुभव के अपने संस्करण को पूरा कर सकें। रॉबर्ट इंतजार करना चाहता है, लेकिन रेन तुरंत अनुभव को छापना चाहता है। वो अपने भाई की मदद करने के लिए अस्पताल जाती है, लेकिन दौरे के साथ उसकी हालत बिगड़ जाती है। रेन को जारेड लाइफ सपोर्ट को बंद करने का फैसला करना पड़ता है, जो दुखद है। वह अपने विकल्पों के बारे में बुरा महसूस करती है। उसका मन यादों, परीक्षण कक्ष के दृश्यों और बायन की आवाज़ के साथ मिल जाता है। सैम उसे बताता है कि जारेड एक सपने जैसी दुनिया में है, जिससे वो सोचती है कि वास्तविकता और कल्पना कैसे जुड़ी हुई है। वास्तविकता मोड़ लेती रहती है, क्योंकि रेन उसके दिमाग का सामना करती है। वो अपनी रचना के बदलते पैटर्न के भीतर पकड़े गए समुद्र तट के क्षणों को महसूस करती है। दुर्घटनाग्रस्त लहरों की आवाज़ उसे आत्मसमर्पण की ओर आकर्षित करती है, जबकि विकृत आवाज़ें उसे एक लाल रंग की दुनिया में एक भयावह यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं। रेन एक बार फिर जागती है, इस बार परीक्षण कक्ष में। रिकॉर्डिंग को मिटाने का प्रयास करने से पहले भावनाओं का एक बवंडर उसे सैम पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है। उथल पुथल के बीच वह अपने भाई, पिता और डैनी के बारे में सोचने में आराम पाती है। शांति की एक नई भावना के साथ वह अपने अनुभवों और उनके महत्व पर विचार करते हुए चाय पीती है। साक्षात्कार में रेन की महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट हो जाती हैं, दूसरों को उनकी कल्पना से परे उल्लेखनीय जीवन जीने का मौका देने की इच्छा। साक्षात्कारकर्ता की मंजूरी के साथ
प्रोग्रामिंग की रिलीज नजदीक आ जाती है। सैम और रेन के बीच कड़वी बातचीत होती है जहां उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वह छोड़ने की योजना बनाती है। उसका लक्ष्य शोध करना, सैम को क्रोधित करना और उसके प्रस्थान की ओर ले जाना है। डैनी के अंतिम संस्कार के बीच रेन अपने पिता से सैम के बारे में बात करती है। वो उससे अस्पताल आने का आग्रह करती है लेकिन सैम के कॉल से उसकी योजना बदल जाती है। कार्यालय में अब सन्नाटा है। सैम का सामना करते हुए रेन को पता चलता है कि उसका भागना एक शोषणकारी अनुभव का आधार बन गया। इच्छा शक्ति की लड़ाई में रेन अपनी अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करते हुए सैम के हेरफेर का विरोध करती है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब सैम द्वारा उसे अनुकरण में वापस लाने का प्रयास विफल हो जाता है। सत्ता संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है। रेन सैम को उसी अनुभव में फंसा लेता है जिसका वो शोषण करना चाहता था। रेन और बायन इस बात के गवाह हैं कि सैम दिनों के बीतने का पता लगाता है, एक तनावपूर्ण प्रत्याशा जो एक भयावह प्रणाली दुर्घटना में परिणत होती है। 365+1 दिन की कठिन परीक्षा के बाद सैम को जगाने की रेन की चाल एक कड़वी विडंबना से भरी हुई है। उसका संकल्प सैम को उसी जेल का सामना करने के लिए मजबूर करता है जिसने उसे फंसाया था। जब कठिन परीक्षा समाप्त हो जाती है तो रेन और बायन सैम को भावनात्मक परिणाम से जूझने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद रेन अस्पताल में अपने पिता के साथ शोक का एक मार्मिक क्षण साझा करती है। जारेड के लिए उनका सामूहिक दुख उन्हें नुकसान और उपचार की साझा समझ में बांधता है। कथा समुद्र तट के पुल पर समाप्त होती है जहाँ रेन विशाल समुद्र को देखता है।